ये रोड है, ये नाली है, रोड नीचे और नाली ऊपर है, ऐसे मीम तो आपने बहुत देखे होंगे यूट्यूब पर और कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर। लेकिन आज हम बात करेंगे इस टेक्निकल पार्ट पे कि यदि हमारी नाली यानी कि ड्रेन लाइन है तो वहां पर जो लोहे यानी कि स्टील का काम होता है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आज इस वीडियो में डिटेल पर हम जानकारी लेने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म सिविल गुरुजी पर, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में यानी कि आपके बारे में। शुरू करेंगे हमारे इस ड्रेन लाइन के टॉपिक को, जिसमें कि सबसे पहली चीज हम समझेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड ड्रॉइंग। यदि हमारे पास एक ड्रॉइंग आती है ड्रेन लाइन की तो उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये हमारे पास इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है जहां पर हमको डेटा मिल रहा है, भैया पूरा जो नीचे पीसीसी है ड्रेन लाइन के लिए वो है 1200 का, और जो हमारा ड्रेन लाइन है ड्रेन लाइन की जो विड्थ है, ठीक विड्थ है वो है 1000 mm की। और उसके साथ साथ जो और बेसिक डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये जो हमारी यू शेप बार है, इसे हम यू शेप बार कहते हैं, ड्रेन लाइन की जो साइड वॉल्स के लिए इस्तेमाल होती है और जो इसके बेस के लिए इस्तेमाल होती है, इसका डेटा हमारे पास गिवन है 10 mm एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, 10 mm का ये यू शेप का बार है और 150 के स्पेसिंग में पूरे अलोंग भर लगा हुआ है। उसी के साथ साथ जो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो मेरे यू शेप बार को होल्ड कर रही है आपस में, इसका डेटा क्या गिवन है, 10 mm एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि ये भी 10 mm की लग रही है और 150 के स्पेसिंग में पूरे ऊपर से नीचे तक आ रही है। और उसके साथ साथ जो मेरी साइड वॉल है, ये मेरी ड्रेन लाइन की साइड वॉल है, ये साइड वॉल की जो हाइट है ये पीसीसी से, वो गिवन है 1000 mm। क्लियर, 1000 mm यानी कि 1 मीटर की टोटल इसकी डेप्थ है। और उसके साथ साथ यहां पर जो इंटरनल आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये ड्रेन लाइन के इनर वॉल से लेकर के इस इनर वॉल तक का डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 800 mm यहां पर हमको दिख रहा है। दैट मींस क्या हो गई, जो हमारे ड्रेन लाइन की जो थिकनेस हो गई, ये देखिए यहां पर जो इसकी थिकनेस है वो कितनी हो गई, 100 mm, 100 mm इसकी थिकनेस इस वॉल की, और उसके साथ साथ 100 mm इस वॉल की भी थिकनेस हो गई हमारी, और ये बॉटम ड्रेन लाइन के बॉटम फेस की भी 100 mm थिकनेस हो गई। तो जैसे ही हमारे पास ये डेटा अवेलेबल हो जाता है, अब इसके बाद हमारा काम चालू होता है कैलकुलेशन का। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, जैसे कि ओपन ड्रेन लाइन, जहां पर ये जो आप कवर देख रहे हैं, ये जो इसको हम कहते हैं कैप, इसको हम कहते हैं ड्रेन कैप, ये हमारा ड्रेन कैप है। बहुत सारे ऐसे ओपन ड्रेन होते हैं जहां पर ड्रेन कैप अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ये एकदम स्मॉल स्केल में होता है। लेकिन जब हम लार्ज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहां पर ड्रेन कैप देना बहुत जरूरी होता है। तो यदि आपके ड्राइंग पर ड्रेन कैप है तो उसका भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, इसकी मेन बार है ड्रेन कैप की, ये देखिए ड्रेन कैप की मेन बार, जिसका डेटा सेम 10 mm की ये बार लगी हुई है 150 के स्पेसिंग में, और इसके साथ साथ इस मेन बार को होल्ड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार लगी हुई है, जिसका भी डेटा गिवन है 10 mm एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे ड्राइंग पर अवेलेबल होती है जिसको हमको रीड आउट करना है। उसी के साथ साथ आपके जनरल स्टेटमेंट, जनरल नोट्स दिए होते हैं, जिसमें कि जनरल नोट्स में हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहला ये देखिए 6वां नंबर का पॉइंट, और लैब शुड बी 40 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, यानी कि 40D इस केस में लेना है। जहां पर भी लैप आएगा ड्रेन लाइन में, वहां पर हमको 40D की वैल्यू लेनी है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेटा है, टोटल लेंथ ऑफ ड्रेन इज 95 मीटर, अभी इस फेज में ये जो फेज का हमको ड्रॉइंग मिला है उसमें 95 मीटर तक ये ड्रेन लाइन जा रही है, तो 95 मीटर तक के लिए हमको कैलकुलेशन करना है, जिस चीज का आपको ध्यान देना, और आज हम 95 मीटर के लिए कैलकुलेट करने वाले। और मैं आपको ये भी बता दूं, यदि आपको हमारे टीम के साथ ट्रेनिंग करनी है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है, तो अभी ट्रेनिंग मॉड्यूल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल का प्राइस हाइक होने वाला है। यदि मैं बात करूं आपकी ट्रेनिंग की, तो आप कॉस्ट बिल्डिंग, हाईवे या फिर आर्किटेक्चरल ऑपरेटिंग प्रोसेस, किसी भी फील्ड की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसका अमाउंट अभी तक केवल 14,847 रुपए था। लाइफ टाइम वैलिडिटी में आपको ट्रेनिंग दी जा रही थी इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ, लेकिन 1 अप्रैल से सभी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है 17,847 रुपए, और वैलिडिटी भी रहेगी 2 साल की, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी इंटरेक्टिव लर्निंग, बहुत सारे डाउट सेशन की सर्विसेज, यदि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं वहां के भी डाउट्स हमारी टीम सॉल्व कर रही है आपके लिए, तो हर एक चीज का सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसका प्राइस बढ़ने वाला है 1 तारीख से। तो अभी आपके पास मौका है 14,847 रुपए में इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए, जिसके सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं, और इस 5 दिन में लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको 31 मार्च तक ही प्रोवाइड हो रही है। सो इंजीनियर जल्दी करिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, तो चलते हैं इस ड्रेन लाइन में। सबसे पहले इस स्टील रेनफोर्समेंट की बेसिक डिटेलिंग को समझते हैं।
जो कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा ड्रेन लाइन में स्टील रेनफोर्समेंट लगा हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कवर की वैल्यू। तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर कवर आउटर वॉल से आता है, क्योंकि आउटर फेस और इनर फेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेन लाइन में समझना, यह है कि जो ड्रेन लाइन है यहां अंदर क्या फ्लो होगा, वॉटर, ठीक है, यहां अंदर वॉटर फ्लो होगा ऑल टाइम। इसी वजह से जो इंटरनल कवर होता है, अंदर का कवर होता है, वो लार्ज होता है, वो ज्यादा होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटर कवर से। इसी वजह से जब हम ड्रेन लाइन में कवर कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं ये वॉल के आउटर फेस से, इस आउटर फेस से इसका कवर कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमको दिया गया है 20 mm इज द कवर। ये देखो 20 mm कवर है हमारे पास, ठीक है। तो कवर हमेशा आउटर फेस से ड्रेन लाइन के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ना कि इनर फेस से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्लियर इंजीनियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसी कवर समझ लेते हैं, आप कवर के बाद देखते भैया 3D में किस तरह से दिखेगा। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, हर एक चीज को ऐसा 3D में दिखाऊंगा कि आपको सारी चीज घर बैठे ही विजुअलाइज हो जाएगी। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देखो, ये हमारी साइड फेस की वॉल है, यहां पर साइड फेस वॉल के लिए देखो ये रेनफोर्समेंट लगी हुई है स्ट्रेट ऐसी सीधी। इस केस में जो फोटो है, फोटो में यहां पर हुक भी बना हुआ है, हमारे में नहीं हुक बना है तो हम हुक कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस तरह से कंटिन्यू लगती जाती यू शेप, ये ऐसी आई नीचे, फिर ये यहां पर ऐसी चलेगी और उसके बाद ये यहां पर आई होगी, तो इस तरह से कंटिन्यू लगती जाती है ड्रेन लाइन के लिए। अब जैसे ही मेरी साइड वॉल के लिए यू शेप बार लग गई, अब इस यू शेप बार को आपस में जॉइंट भी करना है, इसको अपने पोजीशन पर होल्ड भी रखना है, तो उसके लिए क्या लगेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेंगी पूरी लंबी लंबी, इस तरह से पूरे साइड फेस वॉल में भी लगेगी। अब ये देखो आपको नीचे भी दिख रही होगी, ये देखो लंबी लंबी डिस्ट्रीब्यूशन बार जा रही है यहां से, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार बॉटम फेस पर भी लगने वाली है। तो इस सारी की सारी बार्स हमारी लगेगी और इन्हीं बार्स को कैलकुलेट करना है। और यदि इसको 3D मॉडल के हेल्प से देखा जाए तो देखते किस तरह से दिखता है हमारा ड्रेन लाइन। तो ये देखिए, ये ड्रेन लाइन के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल मॉडल यहां पर बनवाया हुआ है, जहां पर आपको सारी चीजें डिटेल पर देखने वाली है। हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया है 1 मीटर का ड्रेन लाइन के लिए, 1 मीटर इसकी हाइट है और 1 मीटर इसकी विड्थ है, ये इसका कैप है ड्रेन लाइन का। तो सबसे पहले कुछ यदि ये कास्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमको ड्रेन लाइन। लेकिन यदि देखें तो सबसे पहली जो रेनफोर्समेंट, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमारी सबसे पहली रेनफोर्समेंट है, ये देखिए इस तरह से लगती है यू शेप। ये साइड वॉल हो गई इसकी और इसका बेस हो गया और ये हमारा PCC, यहां पर हमारी यू शेप बार लग गई। अब ये यू शेप बार कंटिन्यू लगती जाएगी, देखते हैं किस तरह से, इस तरह से कंटिन्यूअसली। जितना लंबा हमारा ड्रेन लाइन है 95 मीटर का, तो 95 मीटर में ऐसी यू शेप बार लगेगी। अब यू शेप बार लग तो गई, लेकिन अब इसको आपस में होल्ड करना है, बहुत अच्छे से टाइट रखना है, तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट बार लगेगी डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या करेगी, आपस में इन यू शेप बार्स को होल्ड करके रखेगी और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार भी पूरे साइड फेस में भी लगेगी, बॉटम फेस में भी लगेगी और फिर से साइड फेस वॉल पर भी लगेगी। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाने का। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लगेगा हमारा कैप, कैप में इसकी मेन बार लगेगी कैप के लिए, फिर ये सिमिलरली मेन बार रेप्लिकेट होगी इस कैप के लिए, देखते हैं किस तरह से। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कैप के लिए रेप्लिकेट हुई है मेन बार अलग अलग पोजिशन पर। इसके बाद बात करते हैं इसको कैप में जो मेन बार है उसको आपस में होल्ड करने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरह से लगेंगी। तो ये टोटल आपका पूरा का पूरा उसके बाद फाइनली कवर लग जाएगा आपके साइड में। तो इस तरह से कुछ ड्रेन लाइन का 3D विजुअलाइज मॉडल दिखेगा आपको यदि आप रेनफोर्समेंट को लगाते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, यदि इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो स्लो है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, फास्ट है तो स्लो करके देख लेना, रिपीट करके देख लेना, लेकिन ये सारी चीजें ध्यान जरूर देना जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो जैसे ही आप ये सारी की सारी चीजें विजुअलाइज कर लेंगे 3D मॉडल को, इसके बाद आपका कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी चीजें दिख रही हैं कि वो लगी किस तरह से हुई है और कवर किस तरह से यूज हो रहा है, ये भी आप यहां पर देख सकते हैं आउटर फेस से, जो कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए आउटर फेस से कवर इस्तेमाल, क्लियर है। तो वापस चलते हैं हमारे PPT की ओर और देखते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, यदि आपको डिटेल पर BBS सीखना है तो प्लेलिस्ट जाकर के देखिएगा, चैनल में पूरा डिटेल BBS आपको वहां से मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट बिल्कुल मत भूलिएगा, उस पर भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते इसके साथ, और सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट स्टील रेनफोर्समेंट। तो स्टील रेनफोर्समेंट को कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो सबसे पहले हम यू शेप, जो ये हमारी यू शेप बार, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ए पॉइंट से, यहां पर देख रहे हैं आप पॉइंट ए, इस पॉइंट से इस पॉइंट की वैल्यू निकालना है ए से बी की। तो कैसे निकलेगी भैया, ए टू बी टोटल, ये मेरा 1 मीटर है, यानी कि 1000 टोटल, ये 1000 ऊपर से कवर, नीचे से कवर छूटेगा, कवर कितना है 20 mm का, तो 1000 -20 -20 तो 960 mm, ये हमारा ए से बी की लेंथ आ गई। अब बी से सी की लेंथ चाहिए, ये बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक की,
तो सेम ये पूरी विड्थ कितनी है, ये भी 1000 की विड्थ है मेरी पूरी यहां से लेकर के यहां तक की। तो 1000 माइनस यहां से कवर, माइनस यहां से कवर, तो बी से सी भी सेम निकलेगा, 1000 माइनस कवर 960 एमएम। उसके बाद सी से डी ये भी सेम है ए से बी के जैसा, तो ये भी सेम एज इट इज 960 एमएम निकलेगा। तो हमारी ए से बी, बी से सी और सी से डी की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ ऑफ यू शेप बार, ये जो यू शेप बार है इसकी कटिंग लेंथ कितनी होगी, 960 फिर 960 फिर 960, तो ये तीनों वैल्यू हमने ले ली ए से लेकर के डी तक की। उसके बाद एक बार ये यहां पर बेंड हो रही है और एक बार ये यहां पर बेंड हो रही है, तो कितने डिग्री पे, दो बार बेंड हो रही है 90 डिग्री पे, तो माइनस बेंड रिडक्शन, तो 2 × 2d, ठीक है 90 डिग्री के लॉ, डाय कितना है 10 mm। तो हमारा आंसर आता है यू शेप बार का 2840 mm। पेन कॉपी लेके बैठो, केवल वीडियो सुनो नहीं, पेन कॉपी लेके बैठो और सारी चीजें लिखते जाओ, फिर से रिपीट करके देखना, लेकिन ये टॉपिक पूरा कवर करना, क्लियर है। तो 2840 mm हमारी वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं इस यू शेप के नंबर्स की, कितनी नंबर्स पे लग रही है। तो उसका फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है 95 मीटर्स का, तो 95,000 mm में कन्वर्ट कर लिया हम। स्पेसिंग प्लस 1 यानी कि 635 नंबर्स ऑफ बार लग रही है हमारी यू शेप की पूरे 95 मीटर पर लगने के लिए। अब ये हो सकता है एक दो ऊपर नीचे कम ज्यादा होगी, लेकिन ये ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड वैल्यू 635 नंबर्स आपकी टोटल यू शेप बार्स लग रही है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इन ए टू बी। ये ए टू बी में यहां पर आपको देखो एक ग्रीन ग्रीन कलर से डिस्ट्रीब्यूशन बार दिख रही है, ये कहां तक लग रही है, पूरे नीचे तक, ए से बी तक, यहां तक। तो इसका हमको क्या निकालना है, नंबर्स निकालना है। तो नंबर कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 960 टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पेसिंग 150 प्लस 1, तो 8 नंबर ऑफ बार लग रही यहां पर ए से बी में। तो जैसा ए से बी में ये 8 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रही है इस तरह से पूरे लॉन्ग लेंथ पर जाने वाली है, तो सी से डी में भी सेम लगने वाली है इस तरह से, यहां पर भी 8 नंबर लगेगी यहां से लेकर के यहां तक, यहां तक पूरा ये नीचे तक, तो यहां पर भी 8 नंबर्स लगेगी। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार सी से लेकर डी तक, दैट मींस 960 अपॉन 150 प्लस 1, दैट इज 8 नंबर, 8 नंबर ऑफ टोटल बार्स हमारी लग गई डिस्ट्रीब्यूशन बार साइड फेस में, यहां ए से बी में भी 8, सी से डी में भी 8। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भैया बी से लेकर के सी में कितने लगने वाली है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए और एक स्टैंडर्ड वीडियो लेकर के आऊंगा कि नंबर ऑफ बार्स निकालने के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और वो क्या होते हैं, आगे आने वाले प्लेलिस्ट में मैं ये जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज मैं केवल आपको फॉर्मूला बताता हूं, यदि बी से सी निकालना है तो यहां पर इस केस पर फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पेसिंग माइनस 1 का फॉर्मूला लगेगा, यहां पर प्लस 1 नहीं माइनस 1। क्यों, क्योंकि यदि बी से सी बोलूं तो यहां पर ये एंड पर तो दो बार लग चुकी है हमारी पहले से ही, अभी एंड पर और बार नहीं आएगी, अब कहां पर बार आएगी, केवल बीच वाले जगह पर जहां पर पहले नहीं लगी थी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो यूज होगा 960 अपॉन 150 माइनस 1, दैट इज 6 नंबर, 6 नंबर ऑफ बार लगेगी डिस्ट्रीब्यूशन बार बी से लेकर के सी में। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया कितनी डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रही है आपकी इस पूरे के पूरे ड्रेन लाइन में, यू शेप में, क्लियर इंजीनियर्स। तो अभी हमारा कैलकुलेशन पार्ट में ये पार्ट आ गया, अब आगे बात करते हैं कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन बार की कटिंग लेंथ कितनी निकलने वाली है, तो यहां पर इस केस में आपको कटिंग लेंथ नहीं, टोटल 12 मीटर की बार ही यूज होगी एज पर जितना लंबा आपका लेंथ जा रहा है, और बीच बीच में आपको लैप दे देना है 40d का। तो अब बात यहां पर इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार की कटिंग लेंथ नहीं, नंबर ऑफ लैप कितने आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ लैप्स कि भैया नंबर ऑफ लैप कितने निकलने वाले हमारे पूरे 95 मीटर की ड्रेन लाइन जब लग रही है और यू शेप को डिस्ट्रीब्यूशन बार जोड़ रही है, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जोड़ रही है तो आपस में बीच में लैप आएगा, तो लैप कितने बार आएगा ये निकालते हैं। तो लैप कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला 95 मीटर एक बार 12 मीटर की माइनस 1, क्योंकि लैप ना ही शुरू में आएगा और ना ही लास्ट में आएगा, लैप बीच में आएगा, तो इसी वजह से फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस 95 मीटर अपॉन 12 मीटर की एक बार माइनस 1, तो 7 लैप्स आएंगे टोटल, 7 बार लैप होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार इस पूरी की पूरी 95 मीटर की ड्रेन लाइन को बनाने के लिए। आगे बात करते हैं तो टोटल लेंथ कितनी लगेगी हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन बार की, कटिंग लेंथ तो निकालना नहीं है क्योंकि 12 मीटर की बार ही लगते जाएगी कंटिन्यू, लेकिन टोटल लेंथ निकालना पता होना जरूरी है ताकि हमको प्री एस्टिमेट हो पाए कितनी रेनफोर्समेंट लगने वाली है। तो 95 मीटर की तो पहले ही लग रही थी, प्लस 7 बार लैप हो रही है बीच में, 7 लैप्स आ रहे हैं, और एक लैप की वैल्यू कितनी होती है 40d हमारे ड्रॉइंग पर दिया गया इसके लिए, तो 40, और डाया कितना है हमारा
10 mm, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 0.010 mm आ गया, मीटर आ गया हमारा आंसर। तो 7 lap 40D का तो वैल्यू आती है 114.6 मीटर की डिस्ट्रीब्यूशन बार की टोटल लेंथ लगने वाली है आपकी, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो यहां से लेकर के आपके पूरे 95 मीटर तक जाएगी, और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार यहां 8, यहां 6 और यहां 8 है। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है, क्लियर इंजीनियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं, कैप, जो हमारा यहां पर कैप दिया हुआ है, कैप में भी रेइंफोर्समेंट लगी है, ये किस तरह से लगी इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमारी एक सिंगल रेइंफोर्समेंट है जिसको मैंने E से F तक डिनोट किया, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक, और उसके बाद ये जो हुक बना हुआ है, ये हुक बना हुआ है, ये हुक की लेंथ देखो यहां पर गिवन है 120 mm, 120 mm यहां पर गिवन है लेंथ इस हुक की, क्लियर है। तो इसको हमको कैलकुलेट करना कैसा, E से F सेम 1000 -20 -20, तो E से F तो निकल गया सेम 960, यही हमारी वैल्यू आएगी। अब इसके बाद जो हमको कटिंग लेंथ निकालते हैं, तो कटिंग लेंथ ऑफ कैप का मेन बार, कटिंग लेंथ ऑफ कैप में जो मेन बार लगा है उसकी वैल्यू, तो 960 प्लस 120 यहां का हुक प्लस 120 यहां का हुक, ये दो हुक निकल गए आपके, और उसी के साथ साथ बैंड डिडक्शन, क्योंकि कितने बैंड हो रहे हैं, एक बैंड यहां पर और एक बैंड यहां पर हो रहा है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, देखो ये कैसा, ये ऐसा आके वापस घूम जा रहा है, तो यहां पर कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री पर ये वापस आ रहा है, तो दो बैंड हो रहे 180 डिग्री के, तो 4D, 4 इंटू डायमीटर ऑफ बार, तो आपका ये इसका लेंथ आएगा 1120 mm, क्लियर है। इसकी कटिंग लेंथ यहां पर जो आपका मेन बार दिख रहा है कैप के लिए, इसकी लेंथ आएगी 1120 mm विल बी द कटिंग लेंथ, क्लियर इंजीनियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते जा रहे हो ना यार, सारी चीजें नोट डाउन करते जाना। नंबर ऑफ कैप मेन बार, अभी जो कैप बनता है आप खुद सोचिए कि क्या कैप पूरे 95 मीटर के लिए बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कैप हमेशा पार्ट पार्ट में बनता है ताकि आपको साफ सफाई करने में आसानी हो, जब भी आपको कैप रिमूव करना हो तो बड़े आसानी से रिमूव हो जाए, और इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो रहती है 1.5 मीटर, कैप 1.5 मीटर के कैप बनते हैं, फिर उसको प्लेस कर दिया जाता है उस ड्रेन लाइन के ऊपर, क्लियर इंजीनियर्स। तो यदि 1.5 मीटर का एक कैप है तो आपका नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.5 मीटर साइड से, दोनों साइड से कवर, तो कवर कितना है, 20 mm का कवर है, तो 1.5 मीटर माइनस दोनों साइड से कवर, तो 1460 में आपकी मेन बार आएंगी, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग इसकी भी 150 प्लस 1, तो 11 नंबर ऑफ मेन बार लगेंगे आपकी टोटल इस पे एक कैप में 1.5 मीटर के। तो 95 मीटर में कितने नंबर ऑफ कैप्स आने वाले हैं मुझे डिस्कशन सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मेरी टीम चेक करेगी, और डाउट सेशन में आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कंसल्ट करिएगा। अब नेक्स्ट निकालते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो कटिंग लेंथ ऑफ कैप डिस्ट्रीब्यूशन बार, कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन बार की कटिंग लेंथ कितनी आ रही है, तो 1.5 मीटर, क्लियर, 1.5 मीटर कैप है हमारा, दोनों साइड से कवर हटाना है 20-20 का, तो 1460 mm इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी आपके, क्लियर इंजीनियर्स। अब फाइनली लास्ट इसका नंबर निकालना है कि नंबर ऑफ कैप डिस्ट्रीब्यूशन बार, कैप में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा है उसका नंबर क्या है, सेम 960, आपका दोनों साइड से कवर हट जाएगा, 960 अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, तो 8 नंबर आपका स्टैंडर्ड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गया आपका एक कैप में, क्लियर इंजीनियर्स। तो ये सारी बेसिक चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है खाली, हमने भी मेंटरशिप ली, गाइडेंस लिया, एक्सपर्टीज से सीखा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लिया, और आज आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं। आप भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर पे सारी चीजें सीखने की जरूरत है। यदि आप तैयार हैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, तो आइए सिविल गुरुजी के साथ ज्वाइन करें ट्रेनिंग मॉड्यूल, कॉल करो 9111001234 पे, टीम से बात करो और हमारे साथ ट्रेनिंग करो, मेरे साथ ट्रेनिंग करो, मेरी टीम के साथ ट्रेनिंग करो, हर एक चीजें अपन पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व करेंगे डिटेल पे हमारे इस ट्रेनिंग मॉड्यूल पे, क्लियर इंजीनियर्स। होपफुली आपको ड्रॉइंग लाइन का पूरा BBS का टॉपिक समझ में आया होगा, 3D मॉडल की हेल्प से आपने सारी जानकारी ली होगी, और यदि आपको इस ड्रॉइंग का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक के थ्रू इसका PDF भी, क्लियर इंजीनियर्स। सो ये वीडियो आज के यहां पर एंड होता है, और इसी के साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि नेक्स्ट मंडे हम लाने वाले हैं वीडियो इस टॉपिक पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके डिमांड पर लाता हूं मैं सारे टॉपिक, तो यदि आपको कुछ सीखना है तो वो भी कमेंट कर दो, मैं हर एक पार्ट पे वीडियो बना दूंगा आपकी डिमांड पे। अगला वीडियो है कैंटिलीवर बीम पर, वो भी स्लोप्ड शेप में, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर शेप में, स्लोप शेप में आपको कैंटिलीवर बीम का BBS नेक्स्ट मंडे के वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यदि बेल का आइकॉन नहीं दबाया सब्सक्राइब करके तो दबा दो, ताकि ये कैंटिलीवर बीम का वीडियो ना छूट जाए। सो इंजीनियर्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, और करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।